दोस्तों ये खड़ी है आप लोगों के सामने ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 200 वर्सेस ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 250। ये बिल्कुल नया 250 और ये बिल्कुल नया 200 है, क्योंकि दोनों में आपको कलर TFT वाला मिल जाता है, दोनों कलर TFT वाला मॉडल है। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम दोनों बाइक के बीच में डिटेल कंपेरिजन करने वाले हैं कि आपको दोनों में कौन सी बाइक लेना चाहिए, किस बाइक के साथ में आपको जाना है। सारी चीज़ें दोस्तों आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप दोनों बाइक का डिटेल कंपेरिजन देखना चाहते हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको इतनी डिटेल दूंगा कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं ऑल न्यू KTM ड्यूक 250 एंड ऑल न्यू KTM ड्यूक 200 के बारे में। हम दोनों में आप कौन सी ले रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों बाइक के प्राइस डिफरेंस के बारे में कि दोनों बाइक में आपको कितना प्राइस डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ खरीदने वाले हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, सबसे पहले अपने बजट के बारे में सोचते हैं कि हमारे पास पैसा कितना है। जितना हमारे पास पैसा होता है, जितना हमारे पास बजट होता है, उसके हिसाब से दोस्तों हम किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ प्राइस के बारे में, अपनी KTM ड्यूक 200 ऑन रोड प्राइस आ रही है लगभग 238,000, 238,000 रुपये के आसपास की जो है ऑन रोड प्राइस मिलती है। और अगर मैं 250 के बारे में बात करूँ तो 250 ऑन रोड प्राइस आ रही है लगभग 284,000, 284,000 रुपये के आसपास की जो है ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। यानी दोनों का अगर आप कंपेयर करें तो दोनों में आपको मोटा माटी 40,000 से 45,000 रुपीज़ के आसपास का जो प्राइस डिफरेंस है आपको दोनों बाइक में देखने को मिल जाता। अब भाई इतना बड़ा प्राइस डिफरेंस है तो जाहिर सी बात है भाई फ़र्क भी होगा, तो फ़र्क भी जो है आप जान लेते हैं। सबसे पहले मैं की ऑन करता हूँ, दोनों की फ्रंट उसमें आता हूँ भाई, ठीक है, स्पीडोमीटर में, सॉरी लाइटिंग्स में। ये देखिए भाई 250 में अब आपको नई LED DRL लाइट मिल रही है। पहले इसमें LED DRL लाइट यहाँ मिल रही थी, बट कंपनी ने यहाँ पे इसमें जो LED DRL लाइट है अब ऑफर कर दिया है। और अपनी जो 200 है इसमें आपको यहाँ पे LED जो DRL लाइट है वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है। मतलब दोस्तों अगर मैं दोनों का कंपेयर करूँ तो दोनों की लाइट काफ़ी प्यारी लगती है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है, बट मुझे पुरानी वाली ज़्यादा बेहतर लगती है। ठीक है, मेन लाइट में आपको LED मिलेगा, पास मार के दिखाता हूँ, यू कैन सी, ये देखिए यहाँ पे आपको फुली LED लाइट है और इसमें भी आपको जो है फुली LED लाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। टर्न सिंगल लैंप वो भी आपको यहाँ पे LED मिल जाते हैं और यहाँ पे भी जो टर्न सिंगल लैंप है वो भी आपको यहाँ पे LED मिल जाते हैं। ठीक, बात कर ले दोस्तों अब दोनों बाइक के फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। पहले मैं लाइट ऑन कर देता हूँ भाई, बैटरी जाएगी इस वजह से। चलिए देखिए, दोनों में आपको फ्रंट में WP के एपेक्स वाले, सॉरी 250 में आपको WP के एपेक्स वाले सस्पेंशन मिलेंगे, 43mm है, और इसमें भी 43mm मिलते हैं बट इसमें WP के नॉर्मल मिलते हैं, तो ये सस्पेंशन थोड़े ज़्यादा बेहतर आपको मिलेंगे। टायर साइज दोनों का सेम है, फ्रंट में 110/70 इसमें भी मिल जाता है, 110/70 इसमें भी मिलता है। ये MRF के नए टायर हैं, MRF के पुराने ग्रिप के टायर आपको मिलेंगे। चलिए बात कर ले दोस्तों अब दोनों के ब्रेकिंग के बारे में। ब्रेकिंग में फ़र्क है, पहले आप 200 के बारे में जानिए। दोस्तों इसमें आपको स्पेशल फीचर में डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम तो आपको मिलेगा मिलेगा, साथ में इसमें आपको ना रेडियल कैलिपर मिल जाता है। बट इसका जो प्लेट साइज़ है दोस्तों वो 300mm है, कितने mm है, 300mm। लेकिन अगर मैं बात करूँ अपनी 250 के बारे में तो 250 में दोस्तों आप लोगों को जो है ना बड़ी प्लेट मिलती है, इसमें आपको 320mm की प्लेट मिलती है, इसकी प्लेट साइज़ बड़ी है। लेकिन इसमें भी आपको डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, कॉन्सेप्ट इसका भी सेम है। और यहाँ पे देख पा रहे कंपनी ने पूरी तरीके से इसका ब्रैकेट हटा दिया, जिससे इसका वेट, प्लेट का वेट भी कम हो गया है और इससे इसकी बाइक की जो ब्रेकिंग की, मतलब जो इसकी प्लेट की जो, मतलब वो है भाई क्या कह रहा हूँ, गर्म होना ज़्यादा, ठीक है, कूलिंग वो ज़्यादा बेहतर हो गई। ठीक, या फिर रेडियल कैलिपर इसमें भी आपको मिल जाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों दोनों के इंजन स्पेसिफिकेशन की तरफ, इंजन के बारे में जो है बात कर लेते हैं। दोस्तों 200 में आपको 199.5 cc का लिक्विड कूल फोर स्ट्रोक DOSC सिंगल सिलेंडर इंजन आपको मिल जाता है। 250 में दोस्तों 249 cc का लिक्विड कूल LC4C सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक जो इंजन है वो आपको इसमें मिलेगा। बात करें पावर एंड टॉर्क के बारे में, 250 का मैक्सिमम पावर है 31 PS के आसपास का पावर है एंड 25 का टॉर्क है। 200 में 25 का PS पावर है एंड 19.3 का आपको टॉर्क मिल जाता है, यानी कि पावर एंड जो टॉर्क है दोस्तों दोनों में जो आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। दोस्तों 250 में आप लोगों को जो है कूलिंग सिस्टम में लिक्विड कूल इंजन मिलता है, बट इसका रेडिएटर आप देख सकते हैं कर्व रेडिएटर है डुअल फैन के साथ, और इसमें आपको सिंगल रेडिएटर, मतलब नॉर्मल रेडिएटर मिलता है, फ्लैट रेडिएटर सिंगल फैन के साथ, इसमें डुअल फैन और इसमें सिंगल फैन। बाकी आपको दोनों बाइक में जो है 6 गियर देखने को मिलता है, दोनों बाइक E20 BS6 ROMs के साथ में आती है। ठीक, अब दोस्तों मेजर फ़र्क आप समझिए,
250 में आपको कुछ खास चीज़ें मिलेंगी, जैसे 250 में दोस्तों आपको मिल जाता है स्लीपर क्लास, 250 में आपको मिलता है राइड बाय वायर, और 250 में आपको मिल जाता है क्विक शिफ्टर जो कि आपको 200 में नहीं मिलेगा। तो ये मेजर फ़र्क जो आपको दोनों में देखने को मिल जाता है, ठीक। और ये था दोस्तों दोनों का डिटेल इंजन कंपेरिजन। चलिए बात कर लेते हैं दोनों बाइक की माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में। अब जाहिर सी बात है यार, बाइक ले रहे हैं तो भाई माइलेज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस क्या आपको पता है। देखिए माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लूँ तो देखिए दोनों बाइक ठीक है, 200 लगभग 35 टू 40 का माइलेज देगी, और 250 जो है लगभग मेरे हिसाब से 250 जो है लगभग 30 के आसपास का माइलेज दे देती है। टॉप स्पीड में 200 की लगभग 140 किलोमीटर पर आवर, 250 की लगभग 150 किलोमीटर पर आवर, ठीक। बाकी दोनों की परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी आपको मिल जाएगी। अब चलते हैं दोस्तों दोनों के स्पीडोमीटर की तरफ, स्पीडोमीटर के बारे में जान लेते हैं। भाई अब दोनों का स्पीडोमीटर तो काफ़ी सिमिलर हमें मिल रहा है, स्पीडोमीटर में ज़्यादा फ़र्क दोनों में नहीं है। देखिए ये 200 का मीटर है, ये 250 का मीटर है, और दोनों में जो आपको ना कलर TFT आपको मिल जाता है, और सेम साइज़ भी दोनों का सेम है। फ़र्क क्या है आगे आपको मैं बताऊँगा। पहले आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखिए क्लॉक है, यहाँ पर आपका लो ऑयल इंडिकेटर, इंजन माल फंक्शन लाइट, या आपका गियर इंडिकेटर, यहाँ पर आपका इंजन टेम्परेचर, स्पीडोमीटर, यहाँ पे बैटरी, जीरो स्पीड वन, स्पीड वन और ट्रिप वन आपको इसमें मिलेगा, ठीक। ये आपका फ्यूल इंडिकेटर और ये आपका RPM मीटर मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों दोनों का स्पीडोमीटर सेम है, स्पीडोमीटर भी स्विचेस भी सेम है, फ़र्क क्या है देखिए इसके अंदर जाएंगे तो आपको फ़र्क पता चलेगा। पहले आप देखिए यहाँ पे आपको मोटरसाइकिल में ना राइड मोड मिलता है, बट इसमें किसी भी प्रकार का आपको राइड मोड नहीं मिलता। देखिए यहाँ पे कोई राइड मोड नहीं है, इसमें यहाँ पे आपको राइड मोड मिल रहा है, तो ये फ़र्क है। इसमें आपको स्ट्रीट एंड ट्रैक में डाल सकते हैं, ABS मैट में, रोड एंड सुपर मोटो में डाल सकते हैं, वो दोनों में आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बाइक इन्फो दोनों में है, कूलिंग टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी, होडो, सर्विस, वार्निंग्स, ये मिलेगा। उसके बाद आपका ट्रिप वन, ट्रिप टू, ये आपको मिल जाता है। उसके बाद सेटिंग्स है जिसमें आपको फेयरवेट, क्विक सेलेक्टर, कनेक्टिविटी, क्विक शिफ्टर, ये इसमें मिलेगा 250 में, 200 में नहीं मिलता, इसमें क्विक शिफ्टर आता ही नहीं, ऑप्शन कहाँ से आएगा, ठीक। उसमें शिफ्ट लाइट, लॉक डेज, यूनिट्स, लैंग्वेज, एक्स्ट्रा फंक्शन, ये सारे फीचर आपको मिलेंगे। हजार्ड का स्विच दोनों में आपको मिल जा रहा, ठीक। चलिए अब आते हैं इसके रियर प्रोफाइल में। टेन लाइट दोस्तों दोनों में आपको LED आपको देखने को मिलेगा, आप देख पा रहे हैं, या अपनी 200 की लाइट है या अपनी 250 की लाइट है, दोनों में LED है। ग्रेविल्स आप देखिए 200 की है, या आपको 250 की मिल जाती है, काफ़ी अच्छी है। रियर में दोस्तों इसमें आपको 150cc का टायर मिलता है, और इसमें भी 150cc का टायर मिल जाता है। रियर में उसमें 230mm की डिस्क ब्रेक है, इसमें रियर में 240mm की डिस्क ब्रेक है। एग्जॉस्ट उसका भी अंडर बेली है, और इसका भी अंडर बेली आपको मिल जाएगा, ठीक। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे जो अपना सस्पेंशन है उसमें मिडिल में बीच सेंटर में सस्पेंशन माउंट है, इसमें साइड माउंटेड है, तो इसमें सस्पेंशन जो है थोड़े बेहतर भाई कंपनी ने माउंट किया है, जिससे इसका ना हाइट भी कम हुआ है 250 का, और इससे 250 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी कंपनी को बढ़ाने में उसमें भी मदद मिली है, ठीक। ओके फिल्टरिंग कैपेसिटी 200 की 13.5 लीटर, इसकी लगभग 15 लीटर। तो ये दोस्तों दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिला है। 250 का हाइट कम है, 800mm, उसका 820mm, ये फ़र्क आपको दोनों बाइक में देखने को मिलता है। अब आप बताइए कमेंट करके आप दोनों में कौन सी बाइक लेना चाहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।